कस्बा बनिहाल में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव की वजह से इंतजामिया की तरफ से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से सोमो और ऑटो स्टैंड को बस स्टैंड के बजाय दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, जिस वजह से बनिहाल की तरफ आने वाले लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया है। पोपर मंडल बनिहाल के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके सोमो और ऑटो स्टैंड को दोबारा अपनी जगह मुंतकिल किया जाए, बसूरत दिगर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्हें बताया कि लोग गाँव से बाजार आते हैं लेकिन उनको मार्केट पहुँचने से कबल ही 1-2 किलोमीटर की दूरी पर उतार दिया जाता है, जिस वजह से उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दुकानदार भी इस अमल से भारी नुकसान से दो चार हैं। इसलिए इंतजामिया अपने फैसले को वापस ले, अगरचे कौमी शाहरा पर हादसा और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन इसके लिए तमाम फरीकीन की राय लेना भी ज़रूरी है। अगर अफसर से धार खोल दी तुम साइड में कोई नहीं कर अगर प्रिंसिपल आपको बुलाता है तो झूठ दुकानदार झूठी है, बीती झूठ दुकानदार है, अभी झूठ करा रही है, दुकानदार है यहाँ बाजार इमन मान पर करा रही है दुकानदार। पोपर मंडल बनिहाल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर एक मीटिंग की जिसमें ये फैसला लिया गया है कि 2 दिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, कल बुधवार है, परसों वीरवार है, 2 दिन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला लेती है जो उन्होंने आधे यहाँ से शिफ्ट किए हैं उस बारे में तो ठीक, अगर नहीं तो फ्राइडे से स्ट्राइक हो जाए। हमने कल जो मीटिंग की थी उस वक्त हमने फिर SDM साहब से फ़ोन पर भी बात की थी, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, वो रामन में मीटिंग में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर एक गाड़ी ऊपर लगती है, लेकिन इसमें ट्रैफिक वालों का कोई मसला है, इसलिए हम ट्रैफिक वालों से भी गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आपने अब SSP ट्रैफिक रामन से भी हमने बात की है, उनको भी हमने बताया मसला सारा, उनने भी बोला है कि 2 दिन के लिए, वो 2 दिन से लेकर 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं हुआ है, अब हम उनको फिर 2 दिन देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर अगर कोई फैसला हुआ तो वैलिड, नहीं हुआ तो बाजार बंद हो जाएगा। नहीं, आम लोग परेशान है, DSP ट्रैफिक साहब बोल रहे हैं कि भाई बीमार होता है हम उसको ऊपर छोड़ देते हैं, हम मानते हैं कि वो ऊपर छोड़ देते हैं लेकिन जब वो अस्पताल जाता है वहाँ से उसको जब वापस जाना है उसके लिए उसको कौन गाड़ी देगा, कौन देता है, जब वो बाजार में पैदल जाता है बेचारा वो उसको वहाँ पर ही चक्कर आ जाता है। हम वीरवार शाम को फिर मीटिंग बुलाएंगे, अगर तब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो हम मे बी हम स्ट्राइक पर चले जाएँ।